मैंने आपको बताया था समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ था। मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे बच्चों, हल्का सा वो मुझे बताना, समाजशास्त्र के जनक कौन है। वेरी गुड, घबराओ मत, बिल्कुल सही बताया आपने। ध्यान रखिए जो आज बच्चे आए हैं, देखिए मेरी क्लास का मोटिव, मेरे एक बात का ध्यान रखना, जो बच्चे कल नहीं आए थे और बाकी सब कल तुम सब आए थे, मेरी क्लास का मोटिव ये है कि मैं आपको समाजशास्त्र पढ़ाने के अलावा समाजशास्त्र से जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। कई बार जब हम जर्नी देखो, कई बार जब हम तुम कहीं जर्नी करते हो ट्रेन से, तो ठीक है तुमने जर्नी में गए और तुम अपने डेस्टिनेशन पे उतर गए, किसी ने आपको, जब आप अपने डेस्टिनेशन पे उतर गए, आप फॉर एग्जांपल देहरादून गए, तो किसी ने बताया अरे उससे पहले 30 किलोमीटर पहले हरिद्वार है, हरिद्वार में गंगा का किनारा है, हर की पौड़ी है, अगर वहां उतर जाते तो आपको गंगा दर्शन हो जाते। तो जानकारी के अभाव में आप उस जगह जा सकते थे, लेकिन एक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप सीधा डेस्टिनेशन अपने गंतव्य पर निकल गए। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं कॉम्पिटिशन के एग्जाम, मैंने कल भी बताया था, आज रिपीट इसलिए कर रही हूँ, कुछ नए बच्चे आए हैं मेरी इस क्लासरूम में, जो भी बच्चा क्लास लेगा वो इस मोटिव के साथ बैठ के लेगा कि जब मैं बीए करके निकलूंगी या निकलूंगा तो मेरे इस तरीके से अपने आप को कर लूंगा कि मैं सरकारी नौकरी के लायक बन सकूं, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बैठने के लायक बन सकूं। और कॉम्पिटिशन मुश्किल नहीं होते, कॉम्पिटिशन को मुश्किल हम लोग बनाते हैं। कैसे? अरे ये बहुत कठिन है, बड़े कठिन प्रश्न आते हैं, हमसे तो पढ़ाई नहीं होगी, मुझसे तो नहीं होगा, तुम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो वही मुझे तुम्हें सीक्रेट्स बताने हैं, इसलिए तुमने देखा होगा ग्रुप में मैं रोज सुबह मैसेज डाल देती हूँ, क्लास में जरूर आना, ठीक है, रोज तुम्हें परेशान कर रही हूँ, क्लास में नहीं आओगे तो परीक्षा में बैठने नहीं दूंगी। और ये सच भी है, मैं मन से पढ़ाऊंगी, तुम्हें सारी सीक्रेट्स दूंगी, सब कुछ नोट्स बनवाऊंगी, तुम्हें कोई परेशान नहीं करूंगी, परेशान किस लिए करूंगी, तुम्हें क्लास में आना है बस, बाकी तुम तनु मैम के ऊपर छोड़ दो। तनु मैम तुम्हारी स्किल का उस लेवल तक एनहांसमेंट करेंगी कि जिस लेवल तक मैंने काफी बच्चों का किया है, प्राउडली कहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। एक डिसीजन पूरी जिंदगी बदल जा सकता है, मेरा पढ़ाने का पैशन और मेरा जुनून मुझे यहाँ पे वापस ले आया, मुझे पढ़ाने का बेहद शौक है। और शायद तुम जैसे बच्चे जो दूर से गाँव से आके रह रहे हैं, ये बच्चा दूर से चल के आया है, मेरे पास वो सीक्रेट है कि तुम कोचिंग मत जाना, मैं तुम्हें आज इस क्लासरूम में विश्वास दिलाती हूँ तुम कोचिंग मत जाना, मैं बिना कोचिंग के तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें वो डायरेक्शन, वो सब चीज दे सकती हूँ इस क्लासरूम में जो तुम्हें बड़े बड़े कोचिंग वाले एक एक लाख दो दो लाख रुपए की फीस के बाद भी नहीं देंगे। तो बस मेरी शर्त क्या है, तुम्हें क्लासरूम में आना है, और कुछ दिन जैसे क्लास में तुम्हारी बीए फर्स्ट सेम की मैं ही लूंगी, उसके बाद मैं 3 बजे के बाद एक कंपटीशन रीजनिंग सिखाऊंगी, मैथमेटिक रीजनिंग और जीके। जो बच्चे कहते हैं हमें डर लगता है, हमारे हाथ कांपते हैं रीजनिंग से, हमसे सॉल्व नहीं होता कंपटीशन में, उसको मैं इतना इजी और सरल बना दूंगी, तुम कहोगे कि मेरे से सीखो रीजनिंग, मेरे से सीखने के बाद आप प्राउडली दूसरे बच्चों से कहोगे अब मैं सिखाता हूं तुम्हें रीजनिंग, हमने तनु मैम से सीखा है, ट्रिक सीखे हैं। तो मैंने कहा ना मेरे पास सिखाने को बहुत सारी चीजें हैं, बशर्ते तुम्हें इस क्लासरूम में आना पड़ेगा, घर को अपना थोड़ा इतना वो लेना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था 12th तक जितनी पढ़ाई करनी तुमने कर ली है, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, लेकिन अब तुम्हें इस बीए में अपनी करियर बनाना है, अपनी जिंदगी को बनाना है। तो मेरी क्लास का बैठा हर एक बच्चा आज इस मोटिव के साथ इस क्लासरूम में बैठेगा कि जब हम बीए करके निकलेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो हम अपना स्किल एनहांसमेंट उस लेवल तक कर दें कि हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करें तो तुरंत हमारा सिलेक्शन हो जाए। और मैंने बताया सिलेक्शन कठिन नहीं होते, जानकारी के अभाव में हम लोग सिलेक्शन को कठिन बनाते हैं। तो आज के लिए इतना गाइडेंस दूंगी, शुरू करते हैं हमारी क्लास। कल मैंने बताया था समाजशास्त्र के जनक हैं ऑगस्ट कॉम्टे, इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है और ये कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऑगस्ट कॉम्टे, जो बच्चे कल नहीं आए थे लिख लेना,
मैं बार बार ये क्वेश्चन तुमसे क्लासरूम में पूछती रहूंगी। ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्हें समाजशास्त्र के जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म 798 में फ्रांस में हुआ था और सन 1838 में इन्होंने एक नया विषय बनाया जिसका नाम रखा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को समाजशास्त्र विषय के रूप में सन 1838 में पहचान मिली थी। कल मैंने समाजशास्त्र की परिभाषाएं बताई थी और उन परिभाषाओं के बारे में मैं कल की वीडियो के आगे बता रही हूँ। जो बच्चे स्टूडेंट कल नहीं आए थे वो मेरी वो वीडियो देख लेना कल वाली, उसके आगे का मैं पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने बताया था कि जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है, देखो मैं बिल्कुल तुम्हें समाजशास्त्र की ABCD पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है समाजशास्त्र क्या है, वॉट इज सोशियोलॉजी। तो कल मैंने बताया था समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र, ठीक है, वो कल की वीडियो में देखना। फिर मैंने बताया था डेफिनेशन, समाजशास्त्र की एक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी बोला था आज भी बोल रही हूं, आप अपनी राय बनाइए, दूसरों से सहमत ना होइए। देखिए भले ही मैं समाजशास्त्र की टीचर हूं, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया मैंने सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट रही हूं, मैंने बड़े बड़े एग्जाम्स का क्लियर किया है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं आजकल तुम्हें बताऊं, मैं टीचर तो समाजशास्त्र की हूं, कल मैं लाइब्रेरी से हिस्ट्री की बुक इशू करा के लाई हूं, मैं उत्तराखंड का हिस्ट्री पढ़ रही हूं। रीजन, मैं बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी कॉम्पिटिशन में जो जो आती है। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा था और मैं ये चाहती हूं कि तुम सबके दिमाग में भी वो प्रश्न उठे, वो क्या है। मैंने सोचा इतिहास किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये बताऊंगी, ये जरूरी है इसके लिए। इतिहास कहते हैं जो घटना बीत चुकी है उन्हें इतिहास बोला जाता है। हमारे उत्तराखंड का इतिहास मैं कैसे जान सकती हूं, मैं किताब लाइब्रेरी से इशू करा के लाई और मैं उत्तराखंड का इतिहास जान रही हूं। लेकिन उस उत्तराखंड के इतिहास को किसने लिखा, मैं देख रही थी अजय कुमार रावत, कठैत हैं, जोशी जी हैं, उन्होंने डेटा इकट्ठे करके उत्तराखंड के इतिहास पे किताबें लिखी। फिर मैंने देखा कई जगह से, जैसे रूपकुंड ताल है उत्तराखंड का, उसमें से आज भी अस्थियां निकलती हैं, वो अस्थियों के पीछे निकलने का रहस्य क्या है। बहुत सारे उत्तराखंड के ऐसी शिलाएं, ऐसे मंदिर मिले हैं जिनका इतिहास में उल्लेख नहीं है। तो मेरा मानना यह है पहले के लोग जिज्ञासु ज्यादा थे, खोजबीन ज्यादा करते थे, ज्यादा लिखते थे। आज कौन लिख रहा है, आज MA की डिग्री, आज PhD कैसे हो रही है, बस लिख के हो रही है, किताबों से पढ़ के हो रही है। नहीं, हमें किताबों से नहीं पढ़ना है, हमें क्षेत्र में जाना है, ढूंढना है। जैसे उन लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर किताबें लिखी है, हमें अपने जानकारी को बढ़ाना है, हमें खोजना है। मैंने बताया था समाजशास्त्र की परिभाषा जो है वो भिन्न भिन्न समाजशास्त्र ने अपने अनुसार दी है। तुम समाजशास्त्र की परिभाषा अभी तो नहीं, लेकिन अपने हिसाब से एक दिन मुझे जरूर बताना तुम्हारे हिसाब से इस सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होनी चाहिए। कल मैंने बताया था समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में, बहुत सारे समाजशास्त्री एकमत नहीं थे, उन्होंने अपने अपने विचार दिए। जैसे एक समूह का मानना था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज के अध्ययन के रूप में मानते हैं। दूसरा बताया था सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में मानते हैं, वो वीडियो से तुम्हें कंफर्म हो जाएगा। तीसरा ग्रुप आता है जो समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में मानते हैं। मैंने बताया था कल कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है, ऐसा बोला था। फिर कुछ लोगों ने बोला, जैसे मैकाइवर तथा पेज थे, कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल के अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। आज कुछ समाजशास्त्री ऐसे आ गए जिन्होंने माना है कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। अंतःक्रिया मैंने कल भी बताया था, आज भी रिपीट कर रही हूं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरैक्शन। अंतःक्रिया, दो व्यक्ति जब आमने सामने की स्थिति में मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं यानी बातें करते हैं। जैसे दो व्यक्ति मिले, अपरिचित व्यक्ति, मैं आज से पहले तुम लोगों से नहीं मिली थी, तुम लोगों से मिली, फिर अब मैंने कक्षा में जैसे नाम पूछा, साक्षी है, शिवानी है, ठीक है, आदित्य है, सोफिया है और सना सानिया, ठीक है, धीरे धीरे याद कर लूंगी, मुझे याद हो जाते हैं, जब मैं बच्चों से प्यार करती हूँ मुझे सबके नाम याद हो जाते हैं। तो जैसे जैसे तुमसे मिली, तुमसे बातें की, तुम्हारे नाम लान हुए, अब फिर मैं तुम कहाँ रहते हो, इसे बोलते हैं इंटरैक्शन, अंतःक्रिया। और ये सभी व्यक्तियों से नहीं होता, मैं टिहरी में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नहीं जानती, लेकिन हाँ
मैं तुम लोगों को जानने लग गई, जो मेरे साथ काम करते हैं उनको जानने लग गई, जहां से मैं सामान खरीदती हूँ, जहां से फल लेती हूँ या जहां से मैं बिस्किट खरीदती हूँ उनको जानने लग गई। क्योंकि धीरे धीरे जब हम सामने वाले से मिलते हैं, बातें करते हैं, वार्तालाप होता है, उसको इंट्रैक्शन करते हैं, इंट्रैक्शन अंतक्रिया, कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, उससे परिचित होते हैं और वो हमसे परिचित हो जाता है। ऐसा इंट्रैक्शन वन वे नहीं होता, इंट्रैक्शन टू वे होता है, कि हम जब सामने वाले से मिलते हैं और सामने वाला हमसे मिलता है, जब हम दोनों के बीच में वार्तालाप, ऐसा थोड़ा होता है कि मैं जा रही हूं, भैया जरा ये एड्रेस क्या है, तो उन्होंने कहा यहां गली से मुड़ जाना और आपको एड्रेस मिल जाएगा, उसको इंट्रैक्शन नहीं बोलते। इंट्रैक्शन टू वे प्रोसेस है, जब सामने वाला हमें जाने, हम सामने वाले को जाने। भीड़ में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, हम जाके चलो भैया इसको अस्पताल ले जाते हैं और उसे ले गए, इसको इंट्रैक्शन नहीं कहते। इंट्रैक्शन टू वे प्रोसेस है, सामने वाले को हमें भी जानना जरूरी है और हमें सामने वाले को जानना। तो अंतःक्रिया टू वे प्रोसेस, इंट्रैक्शन साक्षी, इंट्रैक्शन यस, इंट्रैक्शन टू वे प्रोसेस। टू वे मतलब मैं भी सामने वाले को जानती हूं, आप भी मुझे जानते हैं, तब उसे अंतःक्रिया कहते हैं। तो कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा है, जैसे गिन्सबर्ग, गिन्सबर्ग ने क्या कहा है समाजशास्त्र में, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं और अंतस्वरूपों के, अंतसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं और अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मैं तुम्हें बता रही हूं कि किस प्रकार समाजशास्त्र की एक डेफिनेशन नहीं है, और इससे इतर मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी, रटना नहीं है। कल भी बताया था, और कल बताया था ना मैंने कि रटना नहीं है, समझ के लिखना है। कल मैंने भारत का एग्जाम्पल दिया था, कौन इस क्लासरूम में बताएगा, थोड़ा सा बता दो। सोफिया, मेरे बच्चे अब तुम अंदर सब कॉन्फिडेंस ले आओ। हाँ बेटा बिल्कुल, सोफिया हेजिटेट मत करो। नहीं, मैंने भारत के बारे में क्या बताया था, कुछ लाइनें क्या लिख, मतलब ध्यान दो उसके बाद पे। वेरी गुड बेटा, बैठ जा, यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे अपने हर बच्चे। कल मेरे बच्चे क्लास में शर्मा रहे थे, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं नहीं थी और मेरे लिए तुम नए थे। और जो आत्मविश्वास, मैंने कहा था ना कि भाई पढ़े लिखे तुम सब हो, तुम सबको पढ़ना लिखना आता है, 12th तक तुमने पढ़ाई ही की है, अब BA में ये पढ़ाई नहीं करनी है, ये तुम 12th में सीख के आए हो। मेरी ग्रेजुएशन में हर एक बच्चे को अब कॉम्पिटिशन के लेवल के लिए अपने आप को तैयार करना है, उसमें तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लाना है, शर्माना नहीं है, बोलना सीखना है। मैंने कल कुछ क्वेश्चन पूछे, सब बच्चे शर्मा रहे थे, मैंने कहा 10 दिन बाद मैं हर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगी और हर एक बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ इस क्लास में खड़े होकर आंसर देगा, क्योंकि यही आत्मविश्वास तुम्हें इंटरव्यू तक लेके जाएगा और यही आत्मविश्वास तुम्हें इंटरव्यू में जीत हासिल कराए। ऐसा नहीं है, जो तुमने पढ़ना था 12th तक पढ़ाए, अपनी 12th की पढ़ाई कराए, ग्रेजुएशन में तुम्हें अपने आप को निखारना है, अपने आप का एनहांसमेंट उस लेवल तक करना है कि वास्तव में कहें ये ग्रेजुएशन का बच्चा है। क्योंकि जो जिस रास्ते से गुजरा है, देखो होता है ना, मैं जिस जर्नी से गुजरी हूं मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बेटा इस गली में मत मुड़ना, यहां पत्थर है, तुम जर्नी पूरी कर नहीं पाओगे। हाँ, इस वाले मोड़ से मुड़ के घूम के आ जाना, यहां से तुम निकल जाओगे और ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। क्योंकि और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रोज क्लास में आना है, अपने अंदर के डर को खत्म करना है। तीसरा, जो तुमने 12th में पढ़ाई पढ़ ली उस पैटर्न को वहीं छोड़ आओ, मेरी इस क्लासरूम के बाहर से तुम रटना छोड़ दोगे। भारत एक शब्द है जिससे हम सभी लोग परिचित हैं, हम इस शब्द पे एक लाइन लिख सकते हैं, दो लाइन लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और एक ऐसे लिख सकते हैं और एक किताब भी लिख सकते हैं, वो हमारी स्किल के ऊपर निर्भर करती है। मैं रटूंगी तो सिर्फ दो लाइनें लिख पाऊंगी, चलो थोड़ा बहुत समझ लिया तो एक पैराग्राफ लिख लूंगी, यदि मैं अपने अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लूं तो मैं भारत के ऊपर पूरी किताब लिख सकती हूं। उसके लिए मुझे एक योजना बनानी पड़ेगी, जो मैं सिविल सर्व, मैंने बताया ना, मैं तुम्हें, जो बच्चा चाहत रखता है कि मुझे ISPCS बनना है, मुझसे मिले आके, मैं बताऊंगी कैसे एग्जाम देते हैं, कैसे सफलता मिलती है, और तरीका मैं बताऊंगी।
एक समझ विकसित करनी होगी, जिसे कहते हैं राइटिंग स्किल। जिस दिन तुम्हारे अंदर वो राइटिंग स्किल डेवलप हो गई, ग्रेजुएशन में टॉप करोगे, पीजी में टॉप करोगे, और मेरे ऐसे नहीं करी हो जिसे कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज, पट्टे नहीं मार रही हो, रियलिटी है, तुम्हें एग्जाम्पल दिखाऊंगी, उन बच्चों को यहां पर लाके खड़ा करूंगी। आज मैं आज यहाँ बहुत सारी वीडियो के माध्यम से बच्चों से अपील कर रही हूँ, समाजशास्त्र ले लो, समाजशास्त्र ले लो। बच्चे समझ नहीं रहे, सोच रहे मैडम पता नहीं क्यों कह रही है समाजशास्त्र ले लो। ये मैं तुम्हें 3 साल बाद बताऊंगी, तुम्हें भी और बच्चों को भी, क्योंकि तुम मेरी क्लास में आ गए हो। अब मैं और बच्चों को तुम मिसाल बनोगे उनके लिए, जिन्होंने मेरा कहना नहीं माना, क्योंकि मैं शायद वो छोड़ के आई हूँ, और अपने जुनून और पैशन की वजह से। काम कोई भी करो, आज मैं ये नहीं कह रही कि तुम आईएससी बनो, बेटा तू पीसीएससी बन, या तू मेरी तरह प्रोफेसर ही बन, तू जो भी काम कर। आदित्य यदि तुझे एडिटिंग आता है ना, मन से कर, ऐसा कर धूम मचा दे। काम अपने हिसाब से करो, किसी के हिसाब से कोई पढ़ा, तनु मैडम के हिसाब से मत करो। जब तुम्हारे पेरेंट्स ने इस क्लासरूम में भेजा है, यहां तक भेजा है, तो उन्हें प्रूफ करके दिखाओ। अब उन्होंने तो जो करना कर दिया, अब तो बारी तुम लोगों की है कि तुम कैसे उनको प्रूफ करके दिखाओगे। तो दिखाओगे? Yes, आवाज नहीं आई? Yes, अब भी नहीं आई? Yes, That's the spirit. मेरी क्लासरूम में इसी स्पिरिट के साथ बैठना है, घबराना नहीं है, बिंदास आवाज में बोलो। गलत है कोई सामने वाला, चिल्ला के बोलो। बुलंदियों तक अपनी आवाज को पहुंचा दो, बशर्ते तुम्हें सीखना होगा। अभी तुम लर्निंग प्रोसेस में हो, और इन 3 सालों को तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, यहाँ पढ़ के तो तुम 12th तक आए हो, बार बार रिपीट कर रही हूँ। यहाँ से तुम्हें अपना कैरियर बनाना है, अपने आप को निखारना है। तो समाज, आजकल मैं थोड़ा पढ़ाई तो करा रही हूँ, अभी तुम सब कच्ची मिट्टी के घड़े हो, तुम्हें ढाल रही हूँ, और ढाल के तुम्हें ऐसा बना दूंगी जिस दिन ये, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या अंतःक्रिया कह रही है मैडम, क्या होता है, ये सब आ जाएगा तुम्हें। इसलिए बीच बीच में मैं तुम्हें दूसरी दिशाओं से ले जाऊंगी, तो भटकना मत, ये मैडम कहाँ लेके जा रही है, मेरे ऊपर विश्वास करो। और यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो मेरा भी विश्वास है, मैं तुम्हें आगे तक ले जाऊंगी, ठीक है? तो थोड़ा मेरे ऊपर बिलीव करो। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अंतःक्रिया इंटरेक्शन, जो मैंने बताया इंटरेक्शन, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो हमसे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जर्नी कर रही हूं, बस में मैंने टिकट लिया, मैं बैठ गई, क्या मैं बस में बैठने वाले हर व्यक्ति को जानती हूँ? नहीं, उसे इंटरेक्शन नहीं कहेंगे। यदि मैंने कंडक्टर से कहा भैया जरा ऋषिकेश का टिकट देना, तो वो उसे इंटरेक्शन नहीं कहते। हाँ, मेरी सीट के बराबर में कोई लड़की, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैडम मैं तो ऋषिकेश जा रही हूँ। क्यों? एडमिशन लेना है। तुम्हारा नाम क्या है? ये मतलब, बेटा मैं तो प्रोफेसर हूँ, तुमने टिहरी में एडमिशन क्यों नहीं लिया? मैडम आपका नाम क्या है? मैंने कहा तनु मैम है। अच्छा तुम मेरा नंबर लो और तुम मुझे अपना नंबर दो। इसे इंटरेक्शन कहते हैं, टू वे प्रोसेस। उसने मुझे पहचाना, मैंने उसको पहचाना, वो अंतःक्रिया है। तो गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अंतःसंबंध इंटर रिलेशन, अंतःक्रिया इंटरेक्शन, इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन, उसका स्वरूपों का विज्ञान किसने माना है? गिन्सबर्ग ने। ऐसे ही जॉर्ज सीमेल समाजशास्त्री है, वो समाजशास्त्र को क्या कहते हैं? वो कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मानवीय अंतःसंबंध, मानवीय मतलब मनुष्य के, अंतर संबंध मतलब इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन भी किसे कहते हैं? अंतर संबंध। जैसे अंतःक्रियाओं से ही अंतर संबंध उपजते हैं, सुनो मेरी बात, जब हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया, बातचीत हुई, बातचीत से मोबाइल के नंबर एक्सचेंज हुए, नंबर से हमने बातें की, या हमें जान पहचान, अरे आप तो हमारे गांव के ही हैं, हमारी बुआ के घर में आपके बराबर घर है, तो वो अंतःक्रिया अंतःसंबंधों में बदल गए। चलिए नया एक टाइम जब मैं गांव आऊंगी तो हम सब जरूर मिलेंगे आपसे, तो वो इंटरेक्शन इंटर रिलेशन में तब्दील हो गया। तो जॉर्ज सिमेल ने ये कहा है, और जॉर्ज सिमेल कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। कि जो समाजशास्त्र है, मैंने बताया था समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशस प्लस लॉगस। देखो फिर से आज रिपीट कर रही हूं, आज सभी स्टूडेंट मेरी कल वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे तुम्हें आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो मैं बता रही थी समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज, सोसाइटी, शास्त्र।
कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, रसायन शास्त्र। अभी मैंने इसको बाइफरकेट किया है ना, दो टुकड़ों में बांट दिया समाज शास्त्र को, समाज प्लस शास्त्र। ठीक है, ऐसे तुमने रसायन शास्त्र सुना है, भौतिक शास्त्र सुना है, अर्थशास्त्र सुना है, राजनीति शास्त्र सुना है। अरे ये शास्त्र है क्या जो सबके आगे लगा है? समाज शास्त्र का अर्थ होता है लॉगस, जो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, रसायन शास्त्र रसायनों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, भौतिक शास्त्र भौतिक इकाइयों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, राजनीति शास्त्र राजनीति का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। इसलिए समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। मोटे मोटे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। जॉर्ज सिमेल कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अभी आप इसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप क्या कहते हैं, जो ये मानते हैं जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट मैंने फोर्थ ग्रुप लिखा है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। मैंने बताया ना समाजशास्त्र की डेफिनेशन जब बनी सभी लोग सहमत नहीं थे। आज के टाइम में जो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम कहोगे हाँ हाँ ठीक है मैडम, बाहर रात हो रही है, ठीक है आपने कहा ना तो बात रात हो रही है। नहीं भाई, अपने स्टैंड करना सीखो, बाहर रात नहीं हो रही, मेरी बात मत मानो, बाहर दिन निकल रहा है। और जब तुम ये बात दूसरे वाले के सामने रखना सीख गए, समझना तुम निकल गए। कहने का मतलब मेरी बात मत मानो, अपने आप से समझो। अपने जरूरी नहीं है मुझे मीठा पसंद है तो तुम सबको मिठाई पसंद होगा, तुम्हें नमकीन भी पसंद हो सकता है, तुम मेरी राय मत लीजिए। पहले जो बनता था लोग इसी तरीके से समाजशास्त्र की असंख्य डेफिनेशन बन गई, रीजन था लोग सहमत नहीं होते थे। और आज समाजशास्त्र की जब इस विषय का आविष्कार हो गया 30-40 साल बाद, जो पुरानी किताबें थी वही चली आ रही हैं। बहुत कम लोग अपनी किताबें लिख पाते हैं, बहुत कम लोग अपने विचारों को परोस पाते हैं, क्योंकि साहस नहीं करते, आगे बढ़ने का हौसला नहीं रखते, डर जाते हैं। अब ये नहीं करना है हमें, हमें अपने हिसाब से बताना है। तभी तो मैं कह रही हूं रटना मत, समझ के लिखो। समझ के लिखोगे कभी एग्जाम में भूल नहीं पाओगे। दूसरा, लिखने को अथाह होगा। तीसरा, नंबर अच्छा आएंगे। चौथा, जो बच्चे कहते हैं मैडम कॉपी तो सारी रह जाती है, समझ में नहीं आता क्या लिखा, वो फिर वो शब्द नहीं बोल पाएंगे। लिखने के पास हमारे पास अथाह होगा। तो अब वो ग्रुप आता है जो समाजशास्त्र को मानता है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में है। उसमें है जॉनसन, मैंने है बहुत सारी डेफिनेशन छांट छांट के लिखी है, सारी जरूरी नहीं है। जैसे जॉनसन ने बोला है, जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ध्यान देना, मैंने बोर्ड पे लिखा है, जॉनसन ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की ही व्यवस्था है। कहीं ना कहीं घूम फिर के सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन अपने बात को अलग तरीके से रख दिया, अपनी बात को अलग तरीके से बता दिया। तो जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, और जो सामाजिक समूह हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया की ही व्यवस्था है। शायद मेरे पास कुछ अनुभव है जो मेरे हाथ में है, और वो ही अनुभव मैं तुम्हें देना चाह रही हूं, तुम उसे सहेज के ऐसे मुट्ठी बंद कर लो। अंदर नहीं है, अब वो ही पैदा करना है जो मेरे अंदर है, वो तुम सब के अंदर मैंने डालना है, समझ लो। गवर्नमेंट जॉब मुश्किल नहीं होती, मुश्किल है तुम जैसे बच्चे, या वो बच्चे, तुम जैसे नहीं कहूंगी, तुम तो आज मेरी क्लास में बैठे हो, वो बच्चे जो मुश्किल बताते हैं, मुश्किल नहीं होता। तो सीखो, चलो, और जो कोई तुम्हें सिखा रहा है उसे समझो, सफलता जरूर मिलती है। जो ये सब्जेक्ट है हमारे, आज जितनी भी भारत में इंडस्ट्रीज देख रहे हो ना तुम लोग, जितने भी उद्योग, चाहे नीचे THDC भी क्यों ना हो, CS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कभी कभी भूल जाती हूँ मैं भी दिमाग को, CSR हर एक उद्योग के लिए जरूरी हो गया है, अपने मुनाफे का
5 से 10% इनके लिए रखना। अब ये क्या चीज है, ये किस खेत की मूली है, कहां से उगाई ये? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट कहते हैं उन उद्योगों को, प्रतिष्ठानों को, जितने भी उद्योग, चाहे अंबानी का देख लो तुम, उन्हें अपने मुनाफे का 5% हिस्सा सामाजिक सेवाओं में खर्च करना पड़ेगा। सकते हो एनजीओ में काम कर सकते हो, विभिन्न बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। सोशल धीरूभाई अंबानी का फंड बना हुआ है, सिर्फ तुम्हें जानकारी नहीं है। मैंने बताया, कल भी बताया था, मध्य प्रदेश में एक सामाजिक न्याय सहकारिता मंत्रालय में अधिकारी का पद निकला है और बहुत पोस्ट निकली है उसमें, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सोशियोलॉजी होनी अनिवार्य है। तो वो बच्चे जो कहते हैं सिर्फ साइंस, और बच्चे नहीं ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं बच्चे आवेदन करने के लिए, तो तुम्हारे लिए इस सब्जेक्ट को गोल्डन क्या डायमंड अपॉर्चुनिटी मानना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं सर्च करती रहती हूं। सोशल इंटरेक्शन किसे कहते हैं, हमारी तो तनु मैम ने बताया है। इंटर रिलेशन, अंतर संबंध किसे कहते हैं, ये भी तनु मैम ने बताया है। तो ये सब चीजें मान के चलो, आज से तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम ये कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हो, इसी जज्बे के साथ क्लास में बैठना। डरना किसी से नहीं, मुझसे भी नहीं, अगर सही हो तो किसी से नहीं डरना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और बस तुमसे ये गुजारिश करूंगी कि आप क्लास में रोज आइए।